بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज हम आप लोगों को हाबील और काबिल का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से बहुत औलाद हुई, उन्हीं में दो बच्चे काबिल और हाबील थे। काबिल बड़ा लड़का था लेकिन ये माँ बाप का कहना नहीं मानता था। हाबील छोटा भाई था जो माँ बाप का कहना मानता था। अक्लीमा एक लड़की थी जिससे काबिल शादी करना चाहता था, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम उसकी शादी अपने छोटे बेटे हाबील से करना चाहते थे जो नेक और शरीफ था। इसलिए काबिल अपने माँ बाप और भाई का दुश्मन हो गया। अल्लाह मियाँ ने हुक्म दिया कि तुम दोनों कुर्बानी करके पहाड़ पर रख दो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उससे अक्लीमा की शादी की जाएगी। अल्लाह मियाँ को अपने नेक बंदे बहुत पसंद होते हैं और उनकी मदद भी करता है। आसमान से एक आग आई और हाबील की कुर्बानी को ले गई, यानी हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। अब उसके भाई काबिल को बहुत गु़स्सा आया, उसने हाबील से कहा मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा अल्लाह नेक बंदों की कुर्बानी कबूल करता है, अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आखिर एक दिन काबिल ने हाबील को कत्ल ही कर दिया। दुनिया में ये पहला कत्ल था जो काबिल ने अपने भाई हाबील का किया। कत्ल करने के बाद काबिल को फिक्र हुई कि हाबील की लाश का क्या करे, किस तरह छुपाए। उसने देखा कि एक कौवा चोंच से ज़मीन खोद कर एक दूसरे मरे हुए कौवे को दफन कर रहा है, तब उसने भी अपने भाई हाबील को ज़मीन खोद कर दफन कर दिया और ख़ुद जाकर आग की पूजा करने लगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को उससे बहुत रंज भी हुआ। प्यारे दोस्तों, काबिल और हाबील दोनों भाइयों के झगड़े से हमको सबक लेना चाहिए। हमारा हकीकी भाई या मुसलमान भाई अगर हम पर ज़्यादती करे तो बेहतर ये है कि हम सब्र करें और अपने भाई पर हाथ ना उठाए। काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। क़यामत तक लोग उस पर लानत करते रहेंगे और आखिरत में अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक हुआ, और हाबील को क़यामत तक लोग अच्छे कहते रहेंगे और जन्नत का वारिस हुआ। अगर आप हमारी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में मौजूद बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। शुक्रिया।